15 अगस्त आजादी का पर्व मनाते हुए इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों एवं कार्यालयों के अलावा निजी संस्थानों में भी तिरंगा लहराकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ की खुशियां मनाई गई। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए रेस मैच एकेडमी कैंप 1 में भी ध्वजारोहण किया गया एवं राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया गया। सर्वप्रथम माँ भारती के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए और धूप दीप प्रज्वलित करने के उपरांत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। रेस मैच एकेडमी में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं ध्वजारोहण के पश्चात अपने अपने उद्बोधन में आजादी के अमृत महोत्सव के महत्व को बताया। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सदैव सम्मान करने की बातें भी कही। तत्पश्चात उपस्थित जन समुदाय में मिष्ठान का वितरण भी किया गया। रेस मैच एकेडमी के संचालक जितेंद्र मौर्या, वार्ड के पूर्व पार्षद दिवाकर भारती, समाज सेवी आरएस मौर्या सहित क्षेत्र के वरिष्ठ जनों ने इस गरिमामय कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस, देश की आजादी में 75 साल हो गया, 75वां वर्ष हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे पूरे देश जिस तरह से धूमधाम कार्यक्रम हो रहा है, ये आज़ादी के बाद पहला बार ऐसा लग रहा है कि हमारा देश में जो है आज़ादी इस तरह से होना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पूरे विश्व में ऐसा काम किया कि पूरे विश्व के लोग मान गए कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए और देश हमारा आगे बढ़ेगा, विकास होगा। इसी तरह से हमारे रेस मैच अकादमी के संचालक जितेंद्र कुमार और करीब 15 वर्षों से यहाँ झंडारोहण के कोचिंग में होता है और निरंतर बच्चे जो है आगे जो यहाँ पढ़ने आते हैं अच्छे नंबर से पास भी होते हैं। मैं यही आशा करता हूँ बच्चे भी आगे बढ़े और ऐसे ही देश का नाम। रेस मैथ्स कोचिंग के इस प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज हम पूरे देश और दुनिया में अमृत महोत्सव के रूप में अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह हमारा देश विश्व गुरु की कतार में आगे बढ़ता रहेगा और एक दिन विश्व गुरु बनकर रहेगा, ये हम लोगों को संकल्प लेना है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। करंट एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।